फैमिली आईडी या हम कहें परिवार पहचान पत्र को लेकर एक नया अपडेट आया है। पहले के मुकाबले फैमिली आईडी अब नई फैमिली आईडी बन गई है। क्या ऐड किया गया है जानेंगे डिटेल से। दोस्तों जैसा कि आपको पता है फैमिली आईडी में प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलाव किया जा रहा है और फैमिली आईडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट उभर कर सामने आया है जिसमें हमारी फैमिली की लगभग सभी डिटेल है वो उसमें मिल जाती हैं, जैसे हमारा पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार कार्ड, वोटर कार्ड आदि डिटेल उसमें देखने को मिल जाती हैं। और दोस्तों फैमिली आईडी के माध्यम से ही हम हरियाणा में, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र से रहते हों या हम शहरी क्षेत्र में रहते हों, तो उनसे जुड़ी जो भी योजना होती है उनका लाभ भी हम फैमिली आईडी के माध्यम से ले सकते हैं। तो जानते हैं दोस्तों हमारी फैमिली आईडी के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, इस पोर्टल पर विजिट करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा परिवार .हरियाणा.gov। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डायरेक्ट आप इस पोर्टल पर विजिट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर ऑफिशियल लॉगिन है और मोबाइल लॉगिन है। तो हमें क्या करना है, अगर आप अपने मोबाइल से भी डाउनलोड करना चाहें तो अपने मोबाइल से भी सेम प्रोसेस है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिटीजन कॉर्नर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और अपडेट फैमिली डिटेल वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा गया अगर आपके पास फैमिली आईडी है तो यस करें, अगर फैमिली आईडी नहीं है तो नो करके हम अपना आधार कार्ड एंटर करके भी अपनी फैमिली आईडी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। यहाँ पर फैमिली आईडी डाल के निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर फैमिली आईडी एंटर करेंगे, उसके बाद सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही सर्च करेंगे जो हमारा फैमिली आईडी के साथ मोबाइल नंबर अटैच है उस पर ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। चलिए ओटीपी दोस्तों आ गया है, ओटीपी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे वर्ड वेरिफिकेशन दिया हुआ है इसको हमें सॉल्व करके टाइप कर देंगे और सबमिट करेंगे। तो देखिए हमारी फैमिली आईडी है वो ओपन हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करके थोड़ा नीचे आएंगे और प्रिंट फैमिली आईडी वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी जो न्यू फैमिली आईडी है उसमें क्या क्या न्यू ऐड किया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है, हमारी फैमिली आईडी में पहले बारकोड नहीं था, अब हमारी फैमिली आईडी में जो बारकोड है वो आ गया है। बारकोड हम स्कैन करने के बाद हमारी डिटेल है वो यहाँ से बारकोड स्कैन करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी अब फैमिली आईडी है, डिजिटल फैमिली आईडी बन गई है। बार कोड के माध्यम से हम अपनी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें क्या करना है, अपनी फैमिली आईडी का प्रिंट ले लेना है। और दोस्तों हम अपने फ़ोन में पीडीएफ में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बार कोड का ऑप्शन है न्यू फैमिली आईडी में दे दिए गए। तो अभी हमें क्या करना है, जो अपनी न्यू फैमिली आईडी है वो प्रिंट निकलवा लेना है। ठीक है जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बार कोड स्कैन करने के बाद डिटेल आती है वो चेक कर लेते हैं क्या क्या डिटेल आती हैं। कोड से अपनी फैमिली आईडी को स्कैन करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी है जो पूरी डिटेल है वो ओपन नहीं हो रही है। यहाँ पे देखिए फैमिली आईडी, फिर नेम, फिर फादर नेम, हमारा मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ डिटेल यहाँ पे शो हो जाएंगी। लेकिन अभी बार कोड जैसे ही स्कैन करते हैं तो यहाँ पे हमारी डिटेल है वो अभी शो नहीं हो रही है। तो अभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे दोस्तों, कुछ अपडेट है वो कुछ टाइम बाद हो जाएगा। और दोस्तों इस प्रकार से हम अपनी फैमिली आईडी वो डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट मैं आप तक लेकर आता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।